सो हैलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। और मैं राहुल नेगी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लैंसडाउन वंडरर। तो अभी हम जा रहे हैं कोटद्वार इसलिए क्योंकि हंटर 350 आप सभी को पता है रॉयल इनफील्ड की नई बाइक आई है, तो उसको देखने जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास कि ये इतनी सस्ती क्यों है, तो वहीं देख के पता लगेगा कि क्या क्या बाइक के स्पेसिफिकेशंस है, कितने वेरिएंट है और इतनी सस्ती क्यों है। तो हेमंत भाई है कोटद्वार के रॉयल इनफील्ड के शोरूम में। अगर कोई भी क्वेरी आपको लेनी हो रॉयल इनफील्ड के रिगार्डिंग, या कोई भी बाइक आपको चाहिए हो या ऑर्डर करनी हो, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहीं पर चेक कर लेना। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हंटर 350 में क्या क्या नई नई चीज़ें और लोगों को इतनी पसंद क्यों आ रही है। सो लेट्स गो। तो फिलहाल जस्ट हम पहुंचे अभी कोटद्वार में और हम जा रहे हैं हंटर 350 देखने के लिए रॉयल इनफील्ड के शोरूम में। बट देखते हैं वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ये कोटद्वार है, यहाँ का कुछ पता नहीं अवेलेबल होती है कि नहीं। गर्मी इतनी भयंकर हो रही है और मैंने पहना हुआ है विंडशीटर, वो मैंने पहना था लैंसडाउन में, लेकिन यहाँ तो इतनी भयंकर धूप हो रही है कि क्या बताएं। तो ये हम पहुँच चुके हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में। दो वेरिएंट है, हंटर में मेट्रो एक मेट्रो रेट्रो। मेट्रो आपका ये अलाइवेड टू व्हीलर स्टाइल के साथ है, रेट्रो स्पोक व्हील्स में आती है। और उसमें क्या है कि आपके सिंपल स्विचेस हैं, इसमें आपके स्विचेस आपके जैसे मेटियोर क्लासिक की तरीके से सेम है। अच्छा, GPS इसमें एडिशनल लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन कंपनी से करंटली अभी अवेलेबल नहीं है। पासिंग लाइट का स्विचेस है। हाँ, ये आपका इंडिकेटर्स है और ये आपका USB चार्जिंग पॉइंट है। अच्छा, नीचे दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, और आपका ये हैजार्ड लाइट पार्किंग लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, आपका रोटरी इंजन ऑफ इंजन स्टार्ट दिया गया है इसमें। गियर इग्निशन, ट्रिप किलोमीटर, टाइमिंग, फ्यूल इंडिकेशन, सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। डुअल टोन कलर में कॉम्पैक्ट में दे दिया जाएगा। अच्छा, लाइट ट्यूबलेस टाइप का जी सीरीज इंजन 350 cc में। माइलेज इसका 35 to 40 है। 35 to 40 कंपनी का हाईवे पे 42 है। देखिए, लुक्स की बात की जाए तो काफ़ी शानदार लग रही है। रोड प्रेजेंस भी काफ़ी देखने को मिल रही है इस बाइक की, लोगों का अटेंशन भी काफ़ी ग्रैब कर रही है। और ये पावर के मामले में मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा पिकअप है, क्लासिक से तो बहुत बेटर है। और साउंड तो आप सुन ही रहे होंगे, और हॉर्न भी काफ़ी प्यारा है। एग्जॉस्ट चेंज है लेकिन लाजवाब है। वेट भी काफ़ी हल्का लग रहा है और पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है बाइक को रेव करने में। परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट।
गेट्स भी काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं, आगे से थोड़ा खाली खाली सी लग रही है, लेकिन इससे आप चेंजेस करा सकते हैं, एडिशनल एसेसरीज लगवा सकते हैं जैसे कि विंडशील्ड और नेविगेशन। अच्छा ये वाला हुआ ब्रेक, तो यहीं से मोड़ दे। अब मुझे लग रहा है कि इसमें वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं आ रहा है इतना। वाइब्रेशन नहीं है, जैसे क्लासिक और मीडियम में नहीं है ना। हाँ 350 cc का J182 इंजन है इसका। अच्छा तो इंजन में कोई चेंज नहीं कर रहा है, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और इसके मेरे को कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे लगे, कलर में। हाँ बैंकॉक में लॉन्चिंग हुई थी। अगर इसकी टैंक की बात की जाए तो ये 13 लीटर का इसका टैंक है और काफ़ी पतला शेप है टैंक का मिटियोर का और क्लासिक के कंपैरिजन, लेकिन टैंक में जो है जांगों की ग्रिप काफ़ी अच्छी बन रही है, मतलब पाँव की ग्रिप काफ़ी अच्छी बन रही है। और हंटर 350 जो है पूरी मेटल बॉडी की नहीं है, इसमें थोड़ा प्लास्टिक और फाइबर का भी यूज़ किया गया है, जो कि बढ़िया भी है। मेटल में रस्ट लग जाया करता है, शू भी बिगड़ जाया करता है, लेकिन ये नया ही लगता है। और काफ़ी अच्छी बाइक है, वो भी रॉयल इनफील्ड की है, तो नाम ही काफ़ी है। ये कैसी आवाज़ आ रही है इसमें, कट 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 कट। इसमें विंडशील्ड हटाई थी इन्होंने। अच्छा विंडशील्ड लगी थी ना। हाँ तो शायद थोड़ा सा अच्छा चल रहा। तो इसमें और मीटियोर में कोई डिफरेंस है? देखिए वाइब्रेशन, इंजन, हाँ, और ये जो इसके फंक्शन है कहाँ है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीटियोर और इसमें डिफरेंस ये है कि मीटियोर थोड़ा लोअर राइटर सीट है उसमें, और थोड़ा उसका ग्राफिक चेंज ग्राफिकली चेंजेस है। अच्छा ड्यूअल एबीएस जो है सिस्टम भी दे रहे हैं उसमें भी डिफरेंस है, बाकी प्राइसिंग का तो डिफरेंस है। दोनों में एबीएस है इधर राइट या हाँ। तो लगभग दोनों की प्राइसिंग में कितना डिफरेंस आ जाता है? हाँ मीटियोर और इसमें टू फिफ्टी टू। हाँ और ये यहाँ ऑन रोड कितने की पड़ रही है कोटद्वार में? हाँ 217। अच्छा हाँ क्लासिक से तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। बाकी गियर इग्निशन वगैरह सब दे रखा है ड्यूल इंडिकेटर। इन फ्यूचर आप इसमें नेविगेशन अप्लाई कर सकते हैं जो कंपनी से अवेलेबल है। अच्छा वो चीज़ क्लासिक में नहीं। हाँ इसमें DRL है ना, उसमें DRL नहीं है। हाँ वो सब पूरा वही है। अलाय ट्यूबलेस टायर, ड्यूअल एबीएस, ड्यूअल डिस्क, इंजन सब सेम है। बाकी गियर शिफ्टिंग इसकी काफ़ी बढ़िया देखते हैं, ब्रेकिंग इसका अच्छा है। फिर ये है कि लो कॉम्पैक्ट में ड्यूअल टोन कलर में जो अभी जो प्लान कर रहे हैं लोग, अब इसके तरफ लोगों का काफ़ी वो है अटेंशन अभी। हाँ हंटर के लिए अभी लोग काफ़ी प्लान कर रहे हैं। ये है इसको आप और शॉर्ट कर सकते हैं, इसकी एक एसेसरीज आती है जिसमें आपका टायर थोड़ा वाइड दिखेगा काफ़ी पीछे से, जैसे कुछ लोग नहीं दिखाते। हाँ हाँ यही सेम आपका एक दूसरा भी है साइज में, मतलब इसका नाम मुझे भी ध्यान में है, तो वो चीज़ इसमें आप अपडेट करा सकते हो मॉडिफिकेशन के लिए। टायर की विड्थ ज़्यादा है पीछे। हाँ इसके टायर की विड्थ सही है, क्लासिक से ज़्यादा है। क्लासिक से ज़्यादा है। अच्छा लाइट, लाइट्स दोनों की सेम है। लाइट भी सेम है। बाकी इसमें सिटिंग पॉस्चर बैक साइड वाले के लिए भी सही है, जो पीछे बैठेगा उसके लिए भी रेस्टफुल है काफ़ी। अच्छा रेस्ट लग जाएगा क्योंकि अब जैसे ये है ना, इसमें इन जगहों में थाइज में पेन होता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि थाइज में पेन दर्द यहाँ पे, लेकिन जो पीछे बैठेगा उसको सपोर्ट भी रहेगा। सेम ही है दोनों। तो अभी जस्ट हम शोरूम से निकले, तो ये बाइक जो है ना काफ़ी पसंदीदा होने वाली है बहुत से लोगों की, और काफ़ी अच्छी है शॉर्ट राइडर्स के लिए जो कि थोड़े हाइट में छोटे हैं, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है बड़ी बड़ी बाइकों में, उनके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। साथ में लड़कियां जो राइड करती हैं उनके लिए बाइक भी बेस्ट होने वाली है, और बहुत ही प्यारी है। मेरा रिव्यू तो ये है कि काफ़ी बेस्ट बाइक है और काफ़ी अफोर्डेबल है, 217,000 के अंदर आपको यहाँ ऑन रोड मिल रही है कोटद्वार में।
विद फुल एसेसरीज, तो बहुत ही बेस्ट बाइक है। सो जस्ट अभी मैं पहुंच चुका हूं मुसाफिर कैफे में, और आज हम गए थे हंटर 350 की राइड लेने के लिए। सो आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह बढ़िया सी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।